हाँ जी, किवे और सारे मेरे वालों सबनों सत श्री अकाल जी। बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं और इस चैनल पे आपका स्वागत है। गोट एल्बम के सारे सॉन्ग से इतने मस्त है, मतलब मजेदार भाई। मेरी वन ऑफ दी बेस्ट एल्बम है जो मैंने अब तक सुनी है। पहले ऑडियो आया और अब इसके वीडियो भी आ रहे हैं धीरे धीरे। तो इससे पहले हमने एक ही गाने को रिएक्शन दिया गोट एल्बम के, जिसका नाम था क्लैश। और जो उसमें मॉडल थी ना, उसने अपने इंस्टाग्राम पर हमारे रिएक्शन को शेयर किया, स्टोरी पे मुझे टैग किया, मैंने वो रिपोस्ट किया। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं होगा, नहीं तुम्हें पता ही नहीं होगा, तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो ही कहाँ करते हो, मुझे फॉलो ही कहाँ करते हो। और जैसे कि हम गोट एल्बम के आज एक गाने को रिएक्ट करने वाले हैं, गोट एल्बम की बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है जिसमें गोट गाने पे एक बंदे ने रैप किया है। क्या किया है मतलब वो ऐसा लग रहा है कि वो गाने का पार्ट है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि उसे जबरदस्ती डाला गया है, वो लग रहा है कि वो गाने का पार्ट है। अगर वो गाने में यूज भी होता तो वो अमेजिंग लगता। कहाँ, मतलब अभी लिंक खोल के देखने लग जाओगे? जा रहे हो चले जाओ वापस जरूर आना, या इस वीडियो के बाद भी देख सकते हो यार। तो अभी हम सुनते हैं, नहीं सुन तो पहले जो क्या, अब हम वीडियो देखते हैं जिसका नाम है पीड़। बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स है इसमें, तो वीडियो का मजा लेते हैं। अच्छा क्या म्यूजिक है, गिटार है ना, गिटार। ये तो हॉट है। इश्क नूं दर्जा मिले या ना मिले कोई गम नहीं, तेरे दिल च थोड़ी था मिले या ना मिले कोई गम नहीं। सुन सोनिया तेरी याद ना वे मैं खेड़ दी दिन रात वे, तेरा इश्क सिर चढ़ बोलदा हुण इश्क साडी जात वे। तेरी छो दे सुपने वेखदा गुस्ताख दिल सारी रात वे, हंजुआ दे मोती करके, हंजुआ दे मोती करके, वे मैं होंकिया नू लोरिया सिखाइया, तेरी दिती पीड़ सांब तेरे पैर दी जुत्ती पावे ला सजना पावे पा, हो तेरे होना या मर जाना, पावे दिल रख ले पावे सा, कदे दिल करे तेरे होण नू मुटे ते सिर तर रोण नू, बुकल तेरी विच सौण नू नजरा लौण नू, राज तेरे शहर जो गई, राज तेरे शहर जो गई, वानू रोक के दुआवां ने सुनाइया, तेरी दिती पीड़ सांभदी वे मैं हासिया ना कर दी लड़ाइया, साडा हाल पुछ ले आण के पावे बेगाना जान के, असी आखरी सा छाण के मर जाना दीदा माण के,
मर के भी असी सजना, मर के भी असी सजना, तेरे मुख तो ना नजरा हटाइया, तेरी दिती पीड़ सांभ दी, वे मैं हसे ना कर दी लड़ाइया, मॉडल्स तो दोनों ही बड़ी अट्रैक्टिव थी भाई, हमें मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। जैसे मैंने बोला था कि मॉडल्स खूबसूरत रहती है, वीडियो खूबसूरत हो जाता है, थोड़ा बहुत वही था, लेकिन वीडियो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया यार, पता नहीं क्यों। आप लोग मुझे समझाना, क्या समझ नहीं आया मुझे, ये समझ नहीं आया कि मतलब वो कौन थी जो पसंद करती थी, जिसको मतलब वो कैंसर टाइप जो भी टीवी हो गया पान मसाला लगाती होगी, चलो छोड़ो वो तो छोड़ो, लेकिन ये क्या हुआ, मतलब वो पहले एक के साथ एक पसंद करती है, ठीक है वो ठीक है, लेकिन फिर पाजी ने पहली वाली को छोड़ दिया, दूसरी के साथ हो गए, दिस इज नॉट गुड, नॉट गुड। और वो थी कौन, आई मीन शी वॉज अ, मतलब वो थी तो वर्कर टाइप ही, लेकिन वर्कर के साथ इश्क लड़ाया जा रहा है, मतलब चलो कोई नहीं, खूबसूरत है, ऐसी कोई बात भी नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे नहीं लगा, समझ सा नहीं आया मुझे ठीक से, मतलब वो छोड़ दी और ये ले ली, आई मीन मतलब वो मैं मान गया कि क्यों गई, क्योंकि उस पर कम टाइम है, उनको पता चला मुझे पसंद करती, लेकिन उसका क्या जो साथ में थी, आई मीन उसको बाय कर दिया, तो मुझे थोड़ा सा समझ सा नहीं आया। लेकिन लिरिक्स सूथिंग है बहुत सुनने में, मतलब आवाज़ जो है वो बहुत मज़ेदार, और जो लिरिक्स हैं वो बहुत खूबसूरत है, म्यूज़िक बहुत सही है, और हर एक चीज़ ने ब्यूटीफुल थी, मतलब एक्ट्रेस, एक्ट्रेस, मॉडल्स, मॉडल्स की ड्रेसेस, दिलजीत दोसांझ जो घर था, जो लोकेशन जिसमें ब्लैक पहना, मतलब बाहर की लोकेशन थी वो भी, यू नो सब कुछ बहुत क्लीन सा था, इट्स नॉट अबाउट कि खाली मॉडल खूबसूरत, नहीं, हर एक चीज़ को खूबसूरती से प्रेजेंट किया, तो गाना खूबसूरत बन गया, यू नो जब वो लिखते हैं और वो फेंकते हैं, राइट, वो भी मतलब क्या शॉट है, मतलब लाइटनिंग इतनी सही थी, डायरेक्शन मतलब ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कोई गाना नहीं था कि इसमें बहुत सारा डायरेक्शन का कुछ था, लेकिन इसमें जो कलर ग्रेडिंग थी वो बहुत सही थी, ये वीडियो इतना सही है कि यू नो यू कैन वॉच इट सेवरल टाइम्स, यू नो, और समझने की कोशिश कर सकते हैं कि यार मतलब कहीं मेरे को समझ नहीं आया, मेरी शायद बुद्धि कम है, आप लोगों को समझ, तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताना। और कल आने वाला है मेरा एक नया व्लॉग, तो चैनल का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, सब्सक्राइब करके घंटी बजा लेना, क्योंकि उस व्लॉग में आपको बुलेट मिलेगी और क्यूट सा पग वाला मुंडा भी होगा, तो बहुत मज़ेदार होने वाला है। और मैं तुम लोगों से मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक लहर से रहो, मुस्कुराते रहो, समझो समथिंग गॉड।